यो पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जो जो वीडियो देख रहा हूँ सबके लिए, कैसे हैं सब लोग बेटा? ओके, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नए लेक्चर में। गाइस, आज की क्लास में हम लोग जो है वो करने वाले हैं हमारे पेपर नंबर 2 कॉमर्स की जो यूनिट नंबर 2 है अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, तो उसका सेकंड जो पोर्शन है ऑडिटिंग का, उसके MCQs को टोटल मिला के इस वीडियो के अंदर आपको 50 MCQs जो है वो देखने को मिलेंगे। ओके, तो इसको आप लगाइएगा। अकाउंट्स के ऑलरेडी मैं डाल चुका हूँ 252 कुछ MCQs से, 250 MCQ हम लोग ऑलरेडी अकाउंट्स के सारे कवर कर चुके हैं। सिर्फ एक इसी के MCQs रह गए थे हमारे ऑडिट के, तो वो आप अब लगा लीजिएगा। ओके, हाँ जी, तो इसके अंदर मैंने 50 MCQs जो है वो डाले हैं। इसमें सारे ही लगभग जो टॉपिक्स हैं आपके सेफ्टी ऑडिट हो गया, एनवायरमेंटल ऑडिट हो गया, नॉर्मल ऑडिट, फाइनेंशियल ऑडिट हो गया, ठीक है, अपॉइंटमेंट्स हो गया, बेसिक जो क्वेश्चन है वेरिफिकेशन के, वाउचिंग के, वैल्यूएशन के, उसके क्वेश्चन मैंने डाल दिए, तो आप इनको लगा लीजिएगा बढ़िया तरीके से। ओके, और इसकी जो रिवीजन वीडियो है वो मैं कल बोले तो संडे को जो है वो अपनी एप्लीकेशन के ऊपर मैं डाल दूंगा। तो बस यही अपना एक पेंडिंग रह गया था। इसके अलावा सब कुछ HRM मैनेजमेंट की मैंने रिवीजन वीडियो ऑलरेडी हमारी एप्लीकेशन के ऊपर पड़ी है, OB के भी पड़े हैं। एक टॉपिक उसका ना मोटिवेशन वाला आपको नहीं मिलेगा मैनेजमेंट वाली में, तो वो हमने वैसे ही डाला हुआ उसके अंदर, रिवीजन वीडियो देखोगे ना वहां पे हमने डाल रखा है। ओके, तो और उसकी मैंने PDF जो है क्वेश्चंस की, जो 308 क्वेश्चन हमने बनाए थे, वो भी मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम के ऊपर डाल दी है, ठीक है, तो आप उसको लगा लीजिए। हमारी तरफ से पूरा एकदम परफेक्ट रिवीजन हो गई है, प्रैक्टिस हो गई है, और पेपर 1 के टेस्ट भी हो गए हैं। ओके, अब पेपर 2 के टेस्ट हम कल बोले तो संडे को, मंडे को, ट्यूसडे को, 3-4 दिन के अंदर जो है वो हम निपटा देंगे। 21, 22, 23, 24 चार दिन के अंदर मैं 5 या 6 टेस्ट जो है वो आपको बना के दे दूंगा, तो ये भी अपना बढ़िया तरीके से हो जाएगा। ओके, तो आप अच्छे से जो है ये क्वेश्चन लगा लीजिए। एग्जाम में जाने से पहले मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 10 के 10 यूनिट पेपर 1 के, 10 के 10 यूनिट पेपर नंबर 2 सबके MCQs जो आपको मैंने करवाए हैं वो 2 बार जरूर देख के जाना, और रिवीजन वीडियो जो है कम से कम 1 से 2 बार जो है अभी भी लगा के जाइएगा, ठीक है ना, तो आपका सारा का सारा बढ़िया तरीके से हो जाएगा। ओके जी सर, चलो अभी MCQs है वो ऑडिटिंग के लगाओ, और रिवीजन वीडियो कल संडे को हम लोग जो है वो अपलोड कर देंगे लगभग 10-11 बजे तक, तो आप उसको कीजिएगा। ओके जी सर, चलो ये कीजिए और शुरुआत करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 से। चलिए आइए शुरू करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1 ऑडिटिंग का। पहला क्वेश्चन जो है वो बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिलेटेड टू द वाउचिंग ऑफ द सेल। जब आप जो है वो सेल्स की अगर वाउचिंग करते हैं तो कौन सी बातों का आप ध्यान रखते हैं? तो सेल की जब आप वाउचिंग करेंगे तो आप सबसे पहले जो है वो देखते हो कि क्या गुड्स जो है मतलब डिस्पैच एक्चुअल के अंदर हुई है या नहीं हुई है। कभी ऐसा तो नहीं है कि बोगस से डाल दिया, तो एक तो आप ये चेक करते हो डिस्पैच ऑफ द गुड्स। फिर आप ये देखते हो कि क्या सेल बुक के अंदर उसकी एंट्री जो है वो चेक करते हो कि क्या सेल बुक में उसकी एंट्री हुई है, यस। और फिर डायरेक्ट नोट नहीं, क्रेडिट नोट नहीं, डेबिट नोट होता है, लेकिन ये चीजें जो है वो आप चेक नहीं करते हो जब आप जो है वो वाउचिंग करते हो किसका, सेल्स का। तो आंसर जो बनेगा फर्स्ट का, दैट इज अ सी। आगे ऑब्जेक्टिव क्या है एनर्जी मैनेजमेंट के एंड ऑडिट के। हम लोग जो है वो क्या करते हैं एनर्जी मैनेजमेंट ऑडिट करवाते हैं, मतलब एनर्जी ऑडिट करवाते हैं हम लोग, तो उसके हमारे जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव तो ये है कि मिनिमाइज कॉस्ट ऑफ एनर्जी कंजम्पशन। हम ये देखना चाहते हैं कि किस तरीके से हम जो है हमारी जो कॉस्ट होती है एनर्जी के ऊपर जो हमारा खर्चा हो रहा है उसको मिनिमाइज कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। मिनिमाइजिंग वेस्ट ऑफ एनर्जी कंजम्पशन की हमारी एनर्जी वेस्ट हो रही है, तो हम उन सभी पॉइंट्स के ऊपर क्या चेक लगाएं, ये हम चेक करते हैं। स्केलिंग हार्मफुल इफेक्ट ऑफ पोल्यूशन ऑन द हेल्थ, नहीं सर ये एनर्जी ऑडिट का पार्ट नहीं है, ये एनवायरमेंटल ऑडिट का पार्ट है, तो इसको हम यहां पे चेक नहीं करते। मिनिमाइजिंग एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, जी बिल्कुल सही बात है, हम ये भी जो है वो यहां पे क्या करते हैं चेक करते हैं कि एनर्जी की वजह से अगर मान लीजिए कभी एनवायरमेंट पे बैड इंपैक्ट पड़ रहा है मान लो, ठीक है, तो वो चीज पोल्यूशन वाला आ गया तो एनवायरमेंटल ऑडिट की बात है, लेकिन यहां पे हम क्या करते हैं मिनिमाइजिंग दी एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, मतलब एनर्जी की खपत करने से एनवायरमेंट को नुकसान तो नहीं पहुंच रहा है। तो आंसर जो आएगा सेकंड का, डेट इज ए बी एंड डी, ए बी डी बोलते हो थर्ड ऑप्शन। चलो जी आगे कॉस्ट ऑडिट फॉर मटेरियल, अगर आप जो है वो कॉस्ट ऑडिट कर रहे हो किसका, मटेरियल का, वो क्या क्या चीजें कवर करती है, तो कॉस्ट ऑडिट फॉर मटेरियल की अगर बात करते हैं तो वो कवर करते हैं किसको, गुड्स इनवर्ट प्रोसीजर हम सबसे पहले चेक करते हैं कि मटेरियल जो हमारे पास में आ रहा है तो उसका प्रोसीजर क्या है, जी बिल्कुल चेक करते हैं। मेथड ऑफ कैलकुलेशन कॉस्ट स्टैंडर्ड कॉस्ट वगैरह ये देखते हो जब आप कॉस्ट ऑडिट करते हो मटेरियल का, नहीं सर ये हम चेक नहीं करते। क्लासिफिकेशन ओवरहेड खर्चा वाले वो देखते हो, ओवरहेड नहीं देखते हैं, मटेरियल की कर रहे हैं। अकाउंटिंग करते हो स्क्रैप का, वेस्टेज का, मटेरियल ट्रांसफर, जी बिल्कुल सर ये सब मटेरियल से रिलेटेड है, ये हम देखते हैं। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ द अंडर एंड द ओवर एब्जॉर्प्शन, क्या इनको देखते हो, नो सर ओवरहेड की हम यहां पे बात नहीं करते। तो थर्ड का जो आंसर आएगा डेट इज 1 ए एंड डी। फोर्थ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट, इनमें से कौन सा मैनेजमेंट ऑडिट का पार्ट नहीं है। देखो मैनेजमेंट ऑडिट की जाती है बेसिकली मैनेजमेंट खुद करवाती है मैनेजमेंट की ऑडिट, उसके अंदर मैनेजमेंट ये देखती है कि हमने जो पॉलिसीज हमने जो प्रोसीजर्स लगा रखे हैं क्या वो एक्चुअल के अंदर जो है वो इफेक्टिव है भी या नहीं है, तो उसके लिए मैनेजमेंट जो है वो करवाती है ऑडिट। ओके, तो मैनेजमेंट ऑडिट
के अंदर क्या क्या चीजें नहीं आती। पहला आइडेंटिफाई करना रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर, ये मैनेजमेंट ऑडिट का पार्ट होता है क्योंकि हम लोग जो है अलग डिपार्टमेंट को रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपते हैं और हम देखते हैं कि उन्होंने अपना काम किया या नहीं किया। रिव्यू करना परफॉर्मेंस ऑफ ईच रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर, ये भी बिल्कुल सही बात है। रिव्यू करना ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को, ये भी सही बात है। इन्वेस्टिगेट करना डेप्रिसिएशन मेथड, ये मैनेजमेंट ऑडिट का पार्ट नहीं है, ये आपका फाइनेंशियल ऑडिट का पार्ट है, तो ये इसके अंदर नहीं आएगा। तो आंसर इसका 4 है। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, किसके रिगार्डिंग, रिगार्डिंग द ड्यूटी ऑफ एन ऑडिटर। अगर हम ऑडिटर की ड्यूटी की बात करते हैं तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है उससे रिगार्डिंग नहीं है। तो पहला है फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ द फिक्स्ड एसेट इज प्राइमरी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर। सर ऑडिटर की जो प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या होती है, जबकि वाउचिंग है। तो पहला ही जो है वो इसका आंसर हो गया, ये जो है वो इससे रिलेटेड नहीं है। आगे वाला सारे इसका पार्ट है, एक बार पढ़ लीजिएगा। विच अमंग द फॉलोइंग आर नॉट क्वालिफाइड, इनमें से कौन सा क्वालिफाइड नहीं है टू बी अपॉइंटेड एज ऑडिटर ऑफ ए कंपनी। अगर एक कंपनी का ऑडिटर बनना है तो इनमें से कौन पर्सन क्वालिफाइड नहीं है। देखो कंपनी का अगर आपको ऑडिटर बनना है तो पहले बात तो आप सीईओ होना चाहिए और आपका सीओपी होना चाहिए, ठीक है। इंडिविजुअल हु इज चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड होल्ड सीओपी, ये ऑडिटर बन सकता है। एक एलएलपी विच एज ऑल द पार्टनर चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये बिल्कुल सही बात है। एक ऐसी एलएलपी जिसके अंदर सभी पार्टनर चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो कंपनी की ऑडिटर बन सकती है, प्रोवाइडेड उसके सभी पार्टनर जो है उनके वो आपके उनके पास सीओपी होना चाहिए और वो वर्किंग के अंदर होने चाहिए, ये भी एकदम, ये भी ऑडिटर बन सकते हैं। ऑफिसर या एम्प्लॉय, कंपनी का ऑफिसर या कंपनी का एम्प्लॉय, क्या वो कंपनी का ऑडिटर बन सकता है? नो सर, तो ये नहीं बन सकता, ये नॉट क्वालिफाइड है। एनी चार्टर्ड अकाउंटेंट हुज अपॉइंटमेंट रिजल्ट इन द पर्सन बीइंग द ऑडिटर ऑफ मोर देन 10 कंपनी, ये भी नहीं बन सकता। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, ए एंड डी, सी एंड डी बोलिए थर्ड। आगे मैचिंग करने जी आपको यहां पे क्वालिफाइड रिपोर्ट, अगर बात करें क्वालिफाइड रिपोर्ट का तो क्वालिफाइड रिपोर्ट हो चाहे अनक्वालिफाइड हो, दोनों की आती है, ऑडिट रिपोर्ट का पार्ट है। एग्जामिन करना वैल्यूएशन एंड वैल्यूएशन करना एंड डिस्क्लोजर करना, ये जो है रिलेटेड किससे, ये ऑडिटर की ड्यूटी होती है। असेस टू रिकॉर्ड द कंपनी सब्सिडरी, ये ऑडिटर के क्या है, राइट है। मिस स्टेटमेंट इन द प्रोस्पेक्टस ऑफ द कंपनी इशू कैपिटल, ये इसको लेके आना, ये ऑडिटर की जो है वो क्या है, ऑडिटर की लाइबिलिटी है, उसको शो करना। तो सेवंथ का हो गया बी। एट विच ऑफ द फॉलोइंग आर द राइट, इनमें से कौन सा राइट है किसके, स्टैच्यूटरी ऑडिटर का। तो स्टैच्यूटरी ऑडिटर का जो राइट है वो बताना आपको कौन सा है। तो सबसे पहले रिसीव रेमुनरेशन, रेमुनरेशन को रिसीव करना उसका राइट, बिल्कुल राइट है। अटेंड करना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग, सर बोर्ड की मीटिंग वो अटेंड नहीं कर सकता, उसके पास ये राइट है कि वो जनरल मीटिंग में जा सकता है, तो ये इसका राइट है। विजिट करना ब्रांच ऑफिस, ये उसका राइट है। तो आंसर आएगा ए सी एंड डी, बोलते थर्ड ऑप्शन। आगे असर्शन बोलती है मैनेजमेंट ऑडिट शुड बी कंडक्टेड बाय द टीम ऑफ एक्सपर्ट, जो मैनेजमेंट ऑडिट है वो टीम ऑफ एक्सपर्ट द्वारा की जाती है, बिल्कुल। मैनेजमेंट ऑडिट एक क्रिटिकल एग्जामिनेशन है पॉलिसीज का, प्रैक्टिस का, मैनेजमेंट फ्रॉम द हाईएस्ट लेवल टू डाउनवर्ड इन द ऑर्डर टू एसर्टेन करना कि क्या साउंड मैनेजमेंट प्रिवेल करता है बिजनेस कंसर्न में, बिल्कुल दोनों बातें सही है। और रीजन करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है किसको, असर्शन को। और ये सब चीजें जो चेक करता है वही तो आपका एक्सपर्ट होगा, हाँ जी। तो आंसर आएगा ए कि दोनों बातें सही है और रीजन करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है किसको, असर्शन को। आगे फाइनेंशियल ऑडिट इज द एग्जामिनेशन द ट्रूथफुलनेस एंड द फेयरनेस ऑफ द फाइनेंशियल रिकॉर्ड, जो फाइनेंशियल ऑडिट है वो क्या करती है, वो उसमें हम एग्जामिन करते हैं ट्रूथफुलनेस एंड द फेयरनेस, मतलब क्या हमारा जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड है वो ट्रू एंड फेयर है या नहीं है, ये बात एकदम सही है। रीजन बोलता है फाइनेंशियल ऑडिट इज डन बाय द चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये बात भी एकदम जो है वो क्या है, सही है। दोनों बातें सही है बट नीचे वाली बात का ऊपर वाले से लेना देना नहीं है। तो आंसर आएगा बी, बोथ असर्शन रीजनिंग ट्रू है बट रीजनिंग इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ए। आगे असर्शन बोलते हैं वैल्यूएशन एक असेंशियल फीचर है वेरिफिकेशन का, जब आप जो है वो क्या करते हो असेट्स को आपने चेक करना है, उसको वेरीफाई करना है कि क्या वो कंपनी के नाम में कंपनी ने अपनी बैलेंस शीट में कोई एसेट दिखा रही है, वो एक्चुअल में प्रीवेल कर भी है रही है नहीं कर रही है। तो आप लोग जो है वो क्या करते हो उसको चेक करने के लिए पहले उसकी वैल्यूएशन करते हो, सबसे पहले की जाती है वाउचिंग। वाउचिंग करने के बाद देखते हैं कि एक बिल है या नहीं है कंपनी के नाम पे, हमको पता चला कंपनी के नाम पे बिल है, फिर हम देखते हैं कि क्या उसकी वैल्यू सही है या नहीं है, फिर हम करते हैं वैल्यूएशन और फिर आती है क्या किसकी बारी, वेरिफिकेशन के बारे। तो इसमें बोलते हैं वैल्यूएशन एक असेंशियल फीचर है वेरिफिकेशन का, ये बिल्कुल सही बात है। वैल्यूएशन इंक्लूड द अमाउंट ऑफ एनर्जी बीइंग यूटिलाइज, ये क्या बात हो गई, तो ये सही नहीं है। आंसर जो 11th का है इट इज अ सी। आगे ऑडिटिंग इज नॉट द गारंटी ऑफ 100% करेक्टनेस, बिल्कुल सही बात है। ऑडिट जो है ऑडिटिंग के अंदर जो है ऑडिटर अपना ओपिनियन देता है, वो 100% गारंटी प्रोवाइड नहीं करता। दूसरा ऑडिट रिपोर्ट जो है वो मीडियम है थ्रू विच ऑडिटर एक्सप्रेस करता है अपना ओपिनियन इन रिस्पेक्ट ऑफ द ऑडिटिंग प्रोसीजर, ये बात जो है वो क्या है जी आपकी, सही है। एक मिनट, ऑडिटिंग इज नॉट द गारंटी ऑफ 100% सक्सेस, बिल्कुल। ऑडिट रिपोर्ट इज अ मीडियम थ्रू विच ऑडिट रिपोर्ट एक मीडियम है जिसके थ्रू ऑडिटर जो है वो अपना ओपिनियन देता है, ये बात भी एकदम सही है। और वो ओपिनियन में यही बोलता है कि ये गारंटी नहीं है, इट इज ओनली माय ओपिनियन, तभी तो यहां पे बात किसकी कर दी, ओपिनियन की बात कर दी है। तो दोनों बातें सही है और रीजनिंग करेक्टली असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रही है। तो 12th का जो है वो आएगा ए।
आगे असर्शन बोलती है सेफ्टी ऑडिट इज नॉट मैंडेटरी फॉर हजार्ड्स इंडस्ट्री इन इंडिया। सेफ्टी ऑडिट जो है वो मैंडेटरी नहीं है, तो ये तो गलत है। जो भी ऐसी है हजार्ड्स इंडस्ट्रीज हैं जो इंडिया की, उनके लिए सेफ्टी ऑडिट करवाना जो है वो क्या है, मैंडेटरी है। तो पहले तो आपका गलत हो गया। रीजनिंग बोलता है सेफ्टी ऑडिट एक क्रिटिकल सिस्टमैटिक इंस्पेक्शन है ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटी का टू मिनिमाइज द लॉस ड्यू टू एक्सीडेंट। ये बात बिल्कुल सही है। सेफ्टी ऑडिट के अंदर हम लोग बेसिकली यही चेक करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या फिर जो फैक्ट्री है आपकी उसके अंदर जो है वो बेसिकली सेफ्टी स्टैंडर्ड को आपने फॉलो किया है नहीं हुआ, मतलब किसी को कोई पर्सन जो है किसी का एक्सीडेंट तो नहीं हो सकता, वो चीज आप यहां पे क्या करते हो चेक करते हो। 13th का जो आएगा वो क्या आएगा, डी के असर्शन तो फॉल्स है बट रीजनिंग ट्रू है। आगे मैचिंग करना है कट ऑफ प्रोसीजर। कट ऑफ प्रोसीजर जो है वो क्या होता है, जब आप ट्रांजेक्शन इवेंट को हैव बीन रिकॉर्ड इन द करेक्ट अकाउंटिंग पीरियड, ये इसको बोलते हैं कट ऑफ। क्लासिफिकेशन की अगर बात करते हैं तो क्लासिफिकेशन में ट्रांजेक्शन इवेंट हैव बीन रिकॉर्ड इन द प्रॉपर अकाउंट, हम चेक करते हैं कि क्या प्रॉपर अकाउंट्स में उनको क्लासिफाई किया गया नहीं किया गया। अकरेंस की अगर बात करें, अकरेंस का मतलब क्या, ट्रांजेक्शन इवेंट डेट हैव बीन रिकॉर्डेड अकर्ड एंड पर्टेन टू द एंटिटी, जो वो इवेंट से हुए क्या वो एंटिटी से रिलेटेड है या नहीं है। और एग्जिस्टेंस की बात करें तो हम देखते हैं एसेट और लायबिलिटी एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। तो 14th का जो आएगा डेट इज बी। आगे 15th, स्कोप जो है वैल्यूएशन का इज वाइडर देन वेरिफिकेशन, जो वैल्यूएशन का जो स्कोप है वो वाइडर है वेरिफिकेशन से, ये बात गलत है सर। वेरिफिकेशन का स्कोप वाइडर है, वैल्यूएशन का स्कोप बहुत ही स्मॉलर होता है, तो ये तो गलत हो गया। स्टेटमेंट 2 बोलती है वैल्यूएशन इज डन आफ्टर वाउचिंग बट बिफोर वेरिफिकेशन, वैल्यूएशन की जाती है वाउचिंग के बाद में लेकिन वेरिफिकेशन से पहले, ये बात जो है वो क्या है करेक्ट है। तो 15th का जो आंसर रहेगा डेट इज द बी, स्टेटमेंट 2 ट्रू है फर्स्ट फॉल्स है। 16th, मैनेजमेंट ऑडिट पार्ट है फाइनेंशियल ऑडिट का, नहीं सर गलत। मैनेजमेंट ऑडिट इज नॉट कंपलसरी अंडर एनी लॉ, किसी भी लॉ के अंडर मैनेजमेंट ऑडिट जो कंपलसरी नहीं है, ये बात एकदम सही है। तो यहां पर स्टेटमेंट 2 जो है वो क्या है ट्रू है। आगे एनर्जी ऑडिट जो है वो क्या है, वो इन डेप्थ चेक है। एनर्जी ऑडिट में आप इन डेप्थ चेक करते हैं ऑफ द अमाउंट ऑफ द एनर्जी बीइंग यूटिलाइज, तो ये बात जो है वो क्या है एकदम सही है। एनर्जी ऑडिट इंक्लूड जनरल एंड द प्रीलिमिनरी ऑडिट, ये बात भी क्या है सही है। तो 17th का आएगा सी, बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट। 18th, सेफ्टी ऑडिट इज अ रिस्क मैनेजमेंट टूल, जो सेफ्टी ऑडिट है वो एक रिस्क मैनेजमेंट टूल है, बिल्कुल सही बात है। सेफ्टी ऑडिट से अपने को बदलता है, मतलब अगर मान लो कल को कोई भी अपने को प्रोन है एक्सीडेंट होने का, कोई अपने को खतरा है तो हम उसको दूर कर सकते हैं। आगे मैनेजमेंट ऑडिट इज अ पार्ट है किसका, ट्रेडिशनल ऑडिटिंग का, ये बात जो है वो गलत है, क्योंकि ट्रेडिशनल ऑडिट कौन सी होती है, जो बेसिकली आपकी फाइनेंशियल ऑडिट, तो क्या मैनेजमेंट ऑडिट फाइनेंशियल ऑडिट का पार्ट है, नो सर। तो 18th का जो आंसर रहेगा डेट इज द ए, और ओनली स्टेटमेंट 1 जो है वो क्या है करेक्ट है। 19th, मैनेजमेंट ऑडिट इज डन बाय, मैनेजमेंट ऑडिट जो है वो किसके द्वारा की जाती है, कोई भी क्वालिफाइड पर्सन के द्वारा। आगे द ऑडिट कंडक्टेड टू चेक एंड एग्जामिन द एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द मैनेजमेंट, मैनेजमेंट की एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस को चेक करने के लिए जो ऑडिट की जाती है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, मैनेजमेंट ऑडिट। आगे द टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट इज आर, मैनेजमेंट ऑडिट की जो टेक्निक है वो कौन कौन सी है, मैनेजमेंट ऑडिट की टेक्निक है कोरिलेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन को कोरिलेट करना, आगे ऑब्जर्व करना, रेशियो एनालिसिस, फाइनेंशियल डेटा एनालिसिस, ये सब। तो आंसर रहेगा डी, ऑल ऑफ द अबव, इन सब के थ्रू आप लोग जो है वो मैनेजमेंट की ऑडिट करते हो। आगे अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट ऑडिटर शुड बी, मैनेजमेंट ऑडिटर का जो अप्रोच है वो कैसी होती है, एनालिटिकल, वो चीजों को जो है वो क्या करता है, एनालाइज करने का काम करता है। आगे व्हाट इज द फर्स्ट जो एनर्जी ऑडिट, एनर्जी ऑडिट के अंदर सबसे पहले आप लोग जो है वो क्या करते हो, प्रिलिमिनरी जो है वो प्रिपरेशन करते हो। तो 23 का जो आंसर रहेगा डेट इज डी। आगे सेफ्टी ऑडिट मैंडेटरी है किसके लिए, जो सेफ्टी ऑडिट है वो मैंडेटरी है किसके लिए, हजार्ड्स इंडस्ट्री के लिए, बी। आगे द टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट इज इन विच, टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट इन विच जिसमें फंक्शंस एंड अचीवमेंट ऑफ टू और मोर फर्म आर कंपेयर, इस कॉल्ड उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं जी हम क्या, इंटर फर्म कंपेरिजन, दो से ज्यादा फर्म का आपस में कंपेरिजन करते हैं उसको बोलते हैं इंटर फर्म कंपेरिजन। आगे इन विच टाइप ऑफ एनर्जी ऑडिट रेडली अवेलेबल डेटा इज यूज टू एनालाइज द परफॉर्मेंस, किस तरह की एनर्जी ऑडिट के अंदर रेडली अवेलेबल डेटा जो है उसको हम यूज करते हैं क्या करने के लिए, एनालाइज करने के लिए परफॉर्मेंस को, तो बोलते हैं प्रिलिमिनरी ऑडिट के अंदर, बी। आगे इन विच ऑडिट, किस ऑडिट के अंदर द एग्जामिनेशन जो होता है ऑफ द इफेक्ट ऑफ द एयर एमिशन वाटर एंड द सोइल पॉल्यूशन लैंडस्केप एक्सेट्रा इज डन, किसमें किया जाता है, तो वो बेसिकली जो है किया जाता है किसके अंदर, आपके एनवायरमेंटल ऑडिट में, सी। आगे द रिपोर्ट थ्रू विच एन ऑडिटर एक्सप्रेस इज ओपिनियन, एक ऐसी रिपोर्ट जिसके थ्रू ऑडिटर अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, ऑडिट रिपोर्ट, बी। आगे द बेनिफिशियरी ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट इज, ऑडिट रिपोर्ट के जो बेनिफिशियरी मतलब ऑडिट रिपोर्ट जो ऑडिटर इशू करेगा तो उसके बेनिफिट, उसका बेनिफिट किस किस को मिलेगा, क्रेडिटर्स को मिलता है, हाँ जी, इनकम टैक्स अथॉरिटी को मिलता है, डायरेक्टर को मिलता है, गवर्नमेंट को मिलता है, तो आंसर रहेगा डी, ऑल ऑफ द अबव। आगे टू हुम स्पेशल ऑडिट रिपोर्ट इज एड्रेस, किसको स्पेशल ऑडिट की रिपोर्ट जो है वो एड्रेस की जाती है, तो वो है जी आपका सेंट्रल गवर्नमेंट। आगे
मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर को की जाती है, इसी की ध्यान रखना। आगे द रीजन ऑफ द क्वालिफाइड रिपोर्ट इज, अगर मान लो आपने ऑडिटर ने जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को स्टडी करके उसको रिव्यू करके जो है वो क्वालिफाइड रिपोर्ट दी, क्वालिफाइड रिपोर्ट होती है गड़बड़ी की, जब उसको ये लगता है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो आपका ट्रू एंड फेयर व्यू प्रिडिक्ट नहीं कर रही है, तो फिर वो देगा कौन सी क्वालिफाइड रिपोर्ट। तो क्वालिफाइड रिपोर्ट जो है उसके रीजन क्या क्या है, तो सबसे पहला वायलेशन ऑफ द जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, जी अगर आपने गैप को फॉलो नहीं किया तो ऑडिटर आपको देगा कौन सी क्वालिफाइड रिपोर्ट। वायलेशन ऑफ द अकाउंटिंग प्रिंसिपल, अगर आपने एएस फॉलो नहीं किया तो वो आपको देगा कौन सी क्वालिफाइड रिपोर्ट। लैक ऑफ द एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन एक्सप्रेशन, अगर आपके ऑडिट रिपोर्ट के अंदर जो है एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन एक्सप्रेशन नहीं है तो भी आपको देगा कौन सी क्वालिफाइड, तो आंसर आएगा डी। इन चार तीनों केस के अंदर जो है ऑडिटर आपको क्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट प्रोवाइड करेगा। आगे एग्जामिनेशन ऑफ द कॉस्ट अकाउंट एंड द स्टेटमेंट इज कॉल्ड, एग्जामिन करना कॉस्ट अकाउंट को एंड स्टेटमेंट को, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं जी हम लोग क्या, कॉस्ट ऑडिट। आगे Which of the following is or are the object of the cost audit for the organization? इनमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव है किसका, कॉस्ट ऑडिट का फॉर द ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो क्या क्या ऑब्जेक्टिव है। पहला कॉस्ट ऑडिट करते हैं एग्जामिन करने के लिए न्यू प्लान को, जी बिल्कुल इसके बेस पर ही हम करते हैं। इंक्रीज इन द वर्क एफिशिएंसी, यस। डिटरमाइन करने के लिए पॉलिसीज, यस आंसर आएगा डी ऑल ऑफ द अबव। तो ये सब जो है वो ऑब्जेक्टिव है हमारे किसके, कॉस्ट ऑडिट के। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज अ कॉस्ट ऑडिटर, इनमें से कौन सा कॉस्ट ऑडिटर जो है वो अपॉइंट नहीं हो सकता, एम्प्लॉय नहीं हो सकता, कंपनी नहीं हो सकता, फाइनेंशियल ऑडिटर ऑफ द कंपनी नहीं, आंसर आएगा डी। आगे ऑब्जेक्टिव जो है ऑर्डिनरी ऑडिट के ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज द एक्सप्रेशन ऑफ एन ओपिनियन ऑन, किसके ऊपर देना, ऑन द फेयरनेस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ए। इफ द ऑडिटर बिलीव, अगर ऑडिटर बिलीव करते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फेयरली स्टेटेड एंड इज अनेबल टू रीच एंड कंक्लूजन, ये देखो एक बार, अगर ऑडिटर बिलीव करता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फेयरली स्टेटेड है और इज अनेबल, या फिर वो अनेबल हो गया कि टू रीच एंड कंक्लूजन बिकॉज ऑफ द इनसफिशिएंट एविडेंस, तो ऑडिटर जो है वो क्या करेगा, तो उस केस के अंदर ऑडिटर जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इन बातों को नोटिफाई करेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर यूजर्स को थ्रू द ऑडिट रिपोर्ट, अपने ऑडिट रिपोर्ट के माध्यम से बताएगा कि भाई मुझे जो इन्फॉर्मेशन चाहिए थी मुझे वो नहीं मिली और थोड़ा सा उनमें डाउट है, सी। आगे ड्यूरिंग द ऑडिट ऑफ द अकाउंट रिसीवेबल, जब आप जो है वो अकाउंट रिसीवेबल, तो डेटर्स की जब आप क्या कर रहे हो, चेकिंग कर रहे हो ऑडिट के दौरान, ऑडिटर ऑब्टेन करता है सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ द एग्जिस्टेंस असर्शन, एग्जिस्टेंस असर्शन, दिस एविडेंस कैन बी यूज टू सपोर्ट विच ऑफ द फॉलोइंग असर्शन इंस्पेक्ट ऑफ द सेल, तो किन चीजों को जो है वो क्या करता है, चेक करता है, तो वो है जी आप सबसे पहले देखते हो अकरेंस, कि क्या वो जो डेटर है वो करंट ईयर के अंदर ही अकर हुए या नहीं हुए या फिर वो पुराने हैं। आगे इफ ऑडिटर डज नॉट फाइंड एनी इररेगुलरिटी, अगर ऑडिटर जो है वो कोई भी इररेगुलरिटी नहीं पाता है और फैलेसी कोई भी गलती नहीं पाता है एंड अबाउट विच देयर इज नो कंप्लेंट, और उसको कोई भी इस चीज के रिगार्डिंग कोई कंप्लेंट नहीं है, देन कौन सी ऑडिट रिपोर्ट वो जो है वो सबमिट करेगा, तो वो है जी बेसिकली आपकी कौन सी क्लीन रिपोर्ट। आगे विच रिपोर्ट विल बी सबमिटेड बाय एन ऑडिटर, कौन सी रिपोर्ट ऑडिटर सबमिट करेगा इफ ही इज सेटिस्फाइड, अगर वो डिससेटिस्फाई है रिगार्डिंग द फैक्ट इन्फॉर्मेशन, अगर वो इन फैक्ट इन्फॉर्मेशन से डिससेटिस्फाई है तो ऑडिटर कौन सी ऑडिट रिपोर्ट जो है सबमिट करेगा, क्वालिफाइड रिपोर्ट। Which of the following is or are beneficial of the cost auditor? Cost audit के beneficiary जो है वो कौन कौन है, मतलब cost audit की report जो आएगी तो उसके beneficiary कौन कौन है, तो manager वो भी जाना चाहेगा कि cost audit के अंदर जो है वो क्या मिला, और shareholder ये तो जाना चाहेंगे, society भी जाना चाहेगी, society ये जाना चाहते कि जो सामान हमको provide करवाया जा रहा है तो actual में उसका rate क्या कुछ है, government भी जाना चाहेगी कि proper tax हमको मिल रहा है या नहीं मिल रहा, तो आंसर आएगा D, all of the above। आगे वाइल वाउचिंग, वाउचिंग के दौरान हाउ विल द ऑडिटर एंश्योर हिमसेल्फ, कैसे अपने आप को एंश्योर करेगा कि ऑल क्रेडिट सेल ट्रांजैक्शन हैव बीन रिकॉर्डेड बाय द एंटिटी, तो वो कैसे अपने आप को जो है वो एंश्योर करेगा कि सारी की सारी जो क्रेडिट सेल है वो रिकॉर्ड की गई है, तो सबसे पहले एग्जामिन करेगा कट ऑफ पॉइंट, जहां पे सो गड़बड़ी है वहां पे अपना फोकस ज्यादा करेगा, यस। मैच करेगा एंट्री इन द सेल बुक, सेल बुक के अंदर जो एंट्री है उनको सेल इनवॉइस से और गुड्स आउटवर्ड नोट से जो है वो क्या करेगा, मैचिंग करेगा और देखेगा कि प्रीवियस ईयर के अंदर जो भी सेल हुई है क्या उन सबको जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर रिकॉर्ड किया गया या नहीं, तो ये भी बात सही है। काउंटिंग द नंबर ऑफ, काउंटिंग करके कर सकते हो नहीं सर, हम ये कट ऑफ प्रोसीजर लगा के करेंगे, तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, डी, बोथ ए एंड बी। इन केस ऑफ सेल्स रिटर्न, जब सेल्स रिटर्न की बारी आती है ऑडिटर शुड एग्जामिन विच डॉक्यूमेंट, सेल्स रिटर्न के दौरान ऑडिटर जो है वो कौन से डॉक्यूमेंट को जो है एग्जामिन करता है, तो सेल्स रिटर्न के लिए ऑडिटर देखता है क्रेडिट नोट को, इंस्पेक्शन रिपोर्ट चेक करता है, इनवर्ड रिटर्न नोट्स उनको क्या करता है, चेक करता है। इंस्पेक्शन रिपोर्ट में ये देखते हैं कि जो सामान हमारा वापस आया वो सही भी है नहीं है, तो पहले उसको इंस्पेक्शन कर लेते हैं, तो 42 का आएगा डी। आगे 43, वाउचिंग हेल्प करता है ऑडिटर को टू एसर्टेन वेदर द एंट्री इन द बुक्स जो है वो क्या क्या कर रही है, वाउचिंग अपने को मदद करेगा ऑडिटर को एसर्टेन करने की एंट्री जो है इन द बुक्स ट्रू एंड फेयर है या नहीं है, दिस इज द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटिंग, तो आंसर रहेगा ए।
आगे the auditor does not have to check the following while auditing salary or wage. जब auditor जो है वो salary या wage की auditing करता है, salaries की auditing कर रहा है, तो उसके लिए वो किन चीजों को जो है वो focus नहीं करता, तो वो जो है क्या सैलरी को सबसे कैलकुलेट करके देखता है, बिल्कुल, क्योंकि उसी के बेस पर देखेंगे ना कि क्या प्रॉपरली जो है वो क्रेडिट की गई या नहीं की गई। दूसरा, वेदर द कैलकुलेशन वेरीफाइड बाय द डिपार्टमेंटल हेड, कि जो सैलरी का पेमेंट किया गया एम्प्लॉइज को, तो क्या डिपार्टमेंटल हेड ने उसको जो है वो वेरीफाई किया या नहीं किया, बिल्कुल। वेदर ड्यूज, अगर कोई ड्यू थे पीएफ, ठीक है, प्रोविडेंट फंड हो गया, या टीडीएस हैव बीन डिडक्टेड एंड डिपॉजिट, क्या वो गवर्नमेंट की टैक्सी में जमा करवा दिए, यस, ये चेक करते हैं। पेमेंट हैव बीन मेड टू ऑल द एम्प्लॉय इन द फर्स्ट ऑफ द मंथ, ये चीज चेक करते हो, नहीं सर इसका नहीं है, वो तो हर कंपनी का जो अपना सिस्टम है, तो आएगा डी। आगे 45, प्रोसेस ऑफ चेकिंग द एविडेंस ऑफ द एंट्री कोड, एविडेंस को चेक करना, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं जी बेसिकली हम लोग क्या, वाउचिंग। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एक्सेप्टेड एज ए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, इनमें से किसको एक्सेप्ट करते हो आप एज ए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, तो वो है क्या सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के नाम पे आप लोग जो है ले जाते हो किसको, इनवॉइस या चालान को, ये भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है, डेबिट नोट क्रेडिट नोट, ये भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है, ईमेल लेक्चर, ईमेल हो गया या लेटर्स आपको मिले, ये भी आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के तौर पर काम करता है, आंसर आएगा डी। आगे, एन ऑडिटर इज ए वॉचडॉग, बोलता है ऑडिटर जो है वो वॉचडॉग हो गया बट नॉट ए ब्लड हाउंड, लेकिन वो ब्लड हाउंड नहीं है। दिस स्टेटमेंट हैज बीन गिवन इन द डिसीजन ऑफ, ये जो स्टेटमेंट जो दी गई वो किस केस के डिसीजन के अंदर दी गई, तो वो दी गई थी आपके किंगस्टन कॉटन मिल्स के केस में, ए। आगे, द वैल्यू एड विद द एसेट्स आर शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स नोन एज, वो वैल्यू जिसके ऊपर जिसपे एसेट्स जो है वो शो की जाती है बुक्स अकाउंट्स में, उसको बोलते हैं हम क्या, बुक वैल्यू। आगे, द पर्सन हु कंडक्ट द ऑडिट, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं जी ऑडिटर। चलो जी आगे, और लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो क्या है, ट्रू है। पहला, ऑडिट कैन बी डन बाय एनी पर्सन, क्या कोई भी कर सकता है, नहीं सर, ऑडिट जो है वो करेगा कौन, ओनली क्वालिफाइड पर्सन ही ऑडिट कर सकता है। आगे, ऑडिटिंग 100% करेक्टनेस की गारंटी है, नो सर, ये भी बात जो है वो गलत है। आगे, एरर कैन बी डिटेक्टेड एंड प्रिवेंटेड फ्रॉम ऑडिटिंग, ये बात एकदम सही है, ऑडिटिंग के जरिए अपने को पता चलता है कि क्या क्या गलती है और हम उसको आगे जो है वो उस पर रोकथाम कर सकते हैं। ऑडिटिंग इज द एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स एंड स्टेटमेंट, बिल्कुल सही बात है, तो आंसर जो आएगा वो क्या, कौन से ट्रू है, 3 और 4 जो है वो ट्रू है, सी। लो जी, ये 50 क्वेश्चन जो है आपके हुए कंप्लीट ऑडिटिंग के, और अब रिवीजन वीडियो कल बोल तो संडे को मैं इसकी डाल दूंगा और पूरा का पूरा टॉपिक आपका जो है वो रिवाइज हो जाएगा। ओके, इसके अलावा कुछ नहीं बचा, हमने हर एक चीज प्रॉपरली कर ली है, तो आप स्कोर कर लीजिए और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।